नमस्ते। डिप्रेशन क्या होता है? एकदम वास्तविकता में, हकीकत में बात करें तो खेसारी लाल यादव के ऊपर जो है ये साफ दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। लास्ट टाइम पवन सिंह के मगही गाने का जो था वो इवेंट था पटना में, और उस इवेंट में हमने गए थे और वहां पे पवन सिंह जो थे, हालांकि किसी का नाम लेकर नहीं बोले थे और ना ही किसी को बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है इवेंट के बाद जो खेसारी लाल यादव और उनके टीम मैनेजर राइटर को भाई मिचाई जो है ना, मिर्चा जो कहते हैं, ऐसा लगा कि कोई थूक दिया है पीछे। और उसके बाद जो है हर इंटरव्यू में, हर लाइव में, हर जगह पे जा रहे हैं तो पवन सिंह के ही नाम पकड़ के रो रहे हैं कि भैया पवन, भैया पवन, भैया पवन सिंह ने ऐसा कर दिया, पवन सिंह ने वैसा कर दिया। इतना डिप्रेस क्यों है भाई, इतना डिप्रेशन में क्यों चले गए हैं? मैंने एक इंटरव्यू भी सुबह में देखा, पवन सिंह जो शब्द नहीं बोले हैं उसको भी लेकर जो है इंटरव्यू में बोला जा रहा है कि सारे का मैं पता नहीं सा उनके घोड़े से होगा, निकला होगा। देखो भाई, सारे का मैं पा ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा रे रे ग ग म प ध नि नि सा सा रे 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 ग ग म प ध नि 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 सा। ये सब जो है ना, सा रे सा रे ग म स, ये जितने भी शब्द होते हैं सारे गामा का, वो उसके लिए होते हैं जो वास्तविक में सिंगर हो, जो गायक हो, जिसको मंद्र सप्तक, तार सप्तक, अलग अलग तरीके के ज्ञान हो। आपके लिए नहीं है, क्योंकि भैंस चराने वाला आदमी क्या संगीत जानेगा जी? है लिट्टी चोखा बेचना है, अब भैया 10 रुपया का दुगो ले लीजिए, 10 रुपया का दुगो ले लीजिए, नहीं ये शब्द नहीं है, ये काम नहीं करना है। संगीत जो ना होता है ना, वो बहुत ही मेडिटेशन का चीज होता है, बहुत ही तपस्या का चीज होता है, और वो आदमी क्या ही रिस्पेक्ट करेगा? वो तो बोलेगा ही कि सारे गांव पधन नहीं सबके घर का खेती है, लेकिन खुद पता नहीं है कि सारे गांव पधन नहीं सब क्या है। अरे जातिवाद के दम पे चल गए हो कुछ दिन तो स्टार मान लिए, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भैया आज जो है अपने आप को कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल चोर हैं, तो आज से सुन बेटा चमचा लोग जितने हो, अगर कहे ना कि कल वो गाना नहीं चुराए हैं, बांस धांस देंगे। क्योंकि जो आदमी खुद कह रहा है कि हाँ मैं चोर हूं, फिर प्रोटेक्शन करने दूसरा कोई क्यों आ रहा है भाई? नहीं मैं कहूंगा कि मैंने चोरी किया है, लेकिन मेरे अगल बगल वाले, नहीं नहीं ये चोरी नहीं किया, नहीं चोरी किया है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों का प्रोटेक्ट करने वाले, जो खुद कह रहे हैं कि मैं चोर हूं और दूसरे लोग कह रहे हैं मैं चोर ही नहीं हूं। तो खुद मान लिया ना खेसारी भैया कि हम इंटरनेशनल चोर हैं, तो इंटरनेशनल चोर हैं, अब तो हम लोग भी कहने में नहीं पीछे हटेंगे भाई, क्योंकि जब खुद आदमी कह रहा है तो हम लोग क्यों पीछे हटे? आज तक हम लोग कहते थे, लेकिन ये मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि पता है कि अब पब्लिक को चुतिया नहीं बना सकते हैं। तो इंटरनेशनल चोर खेसारी भैया की जय हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि सच में खेसारी लाल यादव ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम ही हैं इंटरनेशनल चोर, छोटा से लेके बड़ा सिंगर का किसी का भी गाना हम ही चुराते हैं। मिलते अगले वीडियो में, लव यू ऑल।